सर क्या कार्यक्रम था आज? आज संविधान दिवस का कार्यक्रम था। संविधान दिवस पे सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और संविधान दिवस हमारे लिए एक गर्व का विषय है। हमें बहुत गर्व है अपने संविधान पे। भारत देश का संविधान सबसे मजबूत सबसे बड़ा संविधान है। सर छात्रों को क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, किस तरह प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे? देखिए हमारे जो संविधान है, संविधान में एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि उसमें एकता अखंडता की भावना है। और ये एकता को हमारे को बनाए रखना चाहिए। हमारा संविधान एक एकता का और मानवता का भी प्रतीक है। उसमें सर्वधर्म सम्मान की बात की गई है। देश के लिए एकजुटता की भावना है उसमें, कि आप पूरा देश को संगठित करने का एक प्रयास है। और हम इस संविधान को नमन करते हैं और मैं यही कहूँगा कि आप इनको बनाए रखें। युवा शक्ति जो है, युवा शक्ति इसका अनुसरण करे और उस पे अगर हमारा देश चलेगा तो हमारे देश की नींव और मजबूत होगी। ओके थैंक यू सर। जिन प्रयासों से प्रतिमा स्थापित हुई है वो रिसा साहब के प्रयास भी मैं बहुत ही सराहनीय रहे। उनके प्रयासों के बिना कदाचित ये संभव नहीं हो पाता कि यहाँ आपके सामने, हमारे पुस्तकालय के सामने बाबा साहब का इस प्रकार की प्रतिमा हम स्थापित। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमारे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में भी ये कार्यक्रम आज बड़ी खुशी से मनाया गया है। आज के ही दिन 1949 में भारतीय संविधान लिख करके रख लिया गया था और जो 26 जनवरी को लागू हुआ था बाद में, तो आज संविधान दिवस मनाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ये विश्वविद्यालय प्रांगण में जो हमारा ऑडिटोरियम है, यहाँ पे टीचिंग यूनियन, नॉन टीचिंग यूनियन और स्टूडेंट्स ने सब ने मिल करके आज ये समारोह मनाया है। और इसके मुख्य अतिथि हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अवनीश वर्मा जी थे। इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर संजीव सर थे, जो हमारे SSB के चेयरमैन और ला के डीन हैं यहाँ के, वो थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विषय पर प्रकाश डाला है कि भारतीय संविधान बनने के दौरान में क्या परिप्रेक्ष्य रहा, भारतीय संविधान बनने के बाद अब भारतीय संविधान ने हमें क्या दिया और अब भारतीय संविधान से हम जितना विकसित हुए और आगे की हमारी जो यात्रा है भारतीय संविधान के साथ, इस देश की जो यात्रा है उस पर विचार रखे वक्ताओं ने। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था, अच्छी संगोष्ठी थी। युवाओं को क्या संदेश लेना चाहिए? युवाओं को बहुत अच्छे संदेश दिया गया है वक्ताओं द्वारा कि 75 साल की आज़ादी में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी इसी प्रकार कभी न खत्म होने वाली आज़ादी, कभी न खत्म होने वाली अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और कभी न खत्म होने वाला विकास और कभी न खत्म होने वाली समानता और बंधुता पर लगातार काम करते रहना चाहिए। ओके थैंक यू। आपका नाम? मैं मनोज अठवाल, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया से, मैं नेशनल GS। जिन प्रयासों से प्रतिमा स्थापित हुई है वो रिसा साहब के प्रयास भी मैं बहुत ही सराहनीय रहे। उनके प्रयासों के बिना कदाचित ये संभव नहीं हो पाता कि यहाँ आपके सामने, हमारे पुस्तकालय के सामने बाबा साहब का इस प्रकार की प्रतिमा स्थापित। जहाँ संविधान दिवस मनाया जाता, संविधान दिवस हमारी एक पूंजी है, हमारा ग्रंथ है। यस सभी सामने हैं। थैंक यू। यस साथ में हो ना, आप भी साथ में हो। यस